नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मौसम की ताजा खबरों के बारे में। आपको बताएंगे कि आपके राज्य में कब बारिश होने वाली है और कब कहां आंधी चलेगी। तो ऐसे में आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। हम बात करेंगे राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, बिहार की और तमाम देश के उन राज्यों की जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो ऐसे में इस वीडियो को ध्यान से पूरा तो जरूर देखिएगा। अगर आप भी अपने राज्य की, अगर आप भी अपने जिले की अपडेट देखना चाहते हैं तो। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है और आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से बड़ी खबरें सामने आ रही है मौसम को लेकर। सबसे पहले अगर मॉनसून के बारे में बात करें तो मॉनसून फिलहाल उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है। अभी भी इंतजार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों को मॉनसून का, साथ इंतजार है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली वालों को मॉनसून का। ऐसे में मॉनसून दिल्ली में 15 जून को पहुंच जाएगा, ऐसा मौसम विभाग द्वारा कहा गया था। लेकिन उसके बाद मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई और ऐसे में मॉनसून 15 जून को दिल्ली में नहीं पहुंचा है। जो बारिश हुई है राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में और दिल्ली में, ये सारी की सारी प्री मॉनसून के कारण हुई है। मॉनसून ने फिलहाल अभी तक दस्तक नहीं दी है दिल्ली के अंदर। अब बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन के भीतर ही दिल्ली में मॉनसून दस्तक दे सकता है। आपको बता दें, कम दबाव का क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हुआ है और उत्तर पश्चिम झारखंड तक ये कम दबाव का क्षेत्र अब बन चुका है, तो इसके कारण देश के पूर्वी और मध्य भाग में बारिश की गतिविधियां बढ़ चुकी है, जिससे मानसून क्षेत्रों में समय से पहले पहुंच गया। लेकिन कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर हो गया है और मानसून की लहरें भी कम हो गई है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी और मध्य भारत में, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे उत्तर पश्चिमी भारत में कम से कम अगले 48 घंटे तक बारिश होगी। इसके बाद बारिश हल्की हो सकती है। तो इस प्रकार से उम्मीद मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। जैसे कि कम दबाव का क्षेत्र अब कम पड़ चुका है, तो ऐसे में मॉनसून की गति पर ब्रेक लग चुका है और धीरे धीरे पश्चिमी राज्य की ओर मॉनसून बढ़ने लगा है। पहले मौसम विभाग की ओर से यह जाहिर किया गया था कि 15 जून को मॉनसून दिल्ली में दस्तक दे देगा, लेकिन एक नए बुलेटिन के अनुसार 15 जून के बाद ही मॉनसून राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दस्तक देगा। अब अगर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की बात करें, वैसे तो यहाँ पर मॉनसून के दस्तक देने में अभी भी इंतजार है और 2 से 3 दिन और इससे ज्यादा भी इंतजार अभी तक करना पड़ सकता है इन सभी राज्यों के रहने वालों को। लेकिन अभी यहाँ पर प्री मॉनसून सक्रिय है, ऐसे में यहाँ पर बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले 1 से 2 दिनों के भीतर इन तीनों ही राज्यों के अंदर लगभग सभी जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। तो दरअसल आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा के कई जगहों पर बारिश की चेतावनी दी गई है। 16 जून यानी कि कल जिंद, कोसली, फरुखनगर, आदमपुर, रेवाड़ी और आसपास के इलाकों में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और साथ ही कई स्थानों पर मध्यम तीव्रता के साथ बारिश की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और गिलगित के भी अलग अलग स्थानों में भारी बारिश की संभावना है और बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र भी बारिश से प्रभावित हो गए। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में अभी भी बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और आसपास के जिलों के अंदर बारिश के साथ ही तेज आंधी चलने की संभावना भी मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में वैसे तो जो पूर्वी इलाके हैं वहां पर मॉनसून आ चुका है, लेकिन अभी भी पश्चिमी जिलों को इंतजार है मॉनसून के दस्तक देने का और यहाँ पर मॉनसून अगले 1-2 दिन के भीतर ही दस्तक दे देगा और उसके बाद दिल्ली और राजस्थान में भी हो जाएगी मॉनसून की
एंट्री। 18 जून तक राजस्थान और दिल्ली में मॉनसून की एंट्री हो सकती है। तो अब अगर बात करें अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के मौसम की, तो आपको बता दें अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगिया, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, दक्षिण कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, विदर्भ के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, पंजाब के कुछ हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कई जगहों और ओडिशा, आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं जताई गई है। इस प्रकार से हमने आपको बताया है देश भर का मौसम कि आज रात और कल कहां कहां पर बारिश की चेतावनी दी गई है। तो इस प्रकार से वीडियो था, अगर आपको पसंद आया तो अभी लाइक करिएगा और साथ ही ऐसी वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।